समन्त चक्रवाळेषु वेदना संयुक्तं समाधिसुत्तं तिस्सो इमा भिक्खवे वेदना। भगवान कहते हैं हे भिक्षुओं, हे साधकों, वेदनाएं तीन प्रकार की होती हैं। तिस्सो कतमा तिस्सो, कौन से तीन प्रकार की? तो समझाते हैं, सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखम सुखा वेदना। एक वेदना जिसे हम सुख की वेदना कहें, आज के भारत में और बाहर भी कुछ देशों में अब वेदना शब्द का एक ही अर्थ रह गया, पीड़ा को वेदना कहते हैं, दुख को वेदना कहते हैं। ये 2500 वर्ष पुराना साहित्य लुप्त हो जाने के कारण हम इस बात को भूल गए कि वेदना अनुभव करने को कहते हैं, और अनुभव केवल दुख का ही नहीं होता। प्राणी जिसे सुख मानता है उसका भी वो अनुभव करता है, जिसे न सुख न दुख मानता है उसका भी अनुभव करता है। तो सुखा वेदना, वह वेदना जिसे वो सुख कहता है, दुखा वेदना, वह वेदना, वह अनुभव जिसे वो दुख कहता है, अदुखम सुखा वेदना, वह वेदना, वह अनुभव
जिसे वह न सुख कहता है न दुख कहता है। इमा खो भिक्खवे तिस्सो वेदनाति, ये तीन प्रकार की वेदनाएं होती हैं। समाहित संपजानो सत्बुद्ध सवक वेदना च पजानाति वेदनानं च संभवं यत चेत निर्जन्ति मग्गं च खयगामिनं वेदनानं खयाभिक्खु निच्छातु परिनिब्बुतु। अपनी साधना का सारा मार्ग इन दो गाथाओं में समझा दिया गया। जो साधक हैं वो इसे बहुत अच्छे प्रकार समझ पाएंगे। समाहितो, वो साधक जो समाहित रहता है, समाधिस्थ रहता है, मन को अपने वश में रखता है, और यूं वश में रखते हुए संपजानो, अपने भीतर अनित्य बोध की निरंतरता बनाए रखता है, निरंतरता बनाए रखता है, उसी को संप्रज्ञान कहते हैं। और ऐसे बनाए रखने वाले को संप्रज्ञानी कहते हैं। तो संपजानो सतो, सजग रहता है, खाते पीते चलते फिरते हर अवस्था में सजग रहता है। बुद्धस्य श्रावको, बुद्ध का श्रावक, श्रावक समझना चाहिए, जिसे स्वयं अपने आप ज्ञान जाग जाए, परम ज्ञान जाग जाए, वो श्रावक नहीं होता। श्रावक वो जिसने सुन करके काम किया और उस काम करने से उसे परम ज्ञान प्राप्त हुआ, सुना उसने। तो जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध होता है वो किसी और से सुन करके ज्ञान नहीं प्राप्त करता, स्वयं अपने भीतर प्रयत्न करते करते, खोज करते करते ढूंढ निकालता है रास्ता और मुक्त हो जाता है। इसलिए कोई सम्यक संबुद्ध श्रावक नहीं कहलाएगा। इसी तरह कोई प्रत्येक बुद्ध होगा वो भी संबुद्ध ही होता है, स्वयं बुद्ध होता है, अपनी मेहनत से बिना किसी गुरु के, बिना किसी मार्गदर्शक के स्वयं ही खोज करता है, रास्ता मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। तो ये दोनों श्रावक नहीं कहलाते। पर ऐसे मुक्त हुए व्यक्ति से हम सुने, उसकी वाणी हमारे कानों में पड़े, हमें प्रेरणा जागे और जैसे बताया जाए वैसे रास्ते पर हम चलने लगें और चलते रहें, तो श्रावक कहलाएंगे। क्योंकि सुन करके, किसी मुक्त पुरुष से सुन करके हमने रास्ता ढूंढा है, रास्ते पर चले हैं, रास्ता मिला है, रास्ता पकड़ा है। श्रावको, ऐसा श्रावक, बुद्ध का श्रावक क्या करता है? वेदना च पजानाति, वेदनाओं को जानता है। केवल सुनने की बात नहीं रह गई, अब पजानाति अनुभव करता है। धर्म के किसी उपदेश को सुन लेना ये पहला कदम है। जो बेचारा कभी सुना ही नहीं, जिसे सही धर्म क्या है यही नहीं कभी सुना, तो चलेगा कैसे? तो श्रावक है, सुना है, अब रास्ते पर चलने लगा है तो वेदनाओं को महसूस करने लगा है। वेदना च पजानाति, और वेदनानं च संभवं, संभवं भाव कहते हैं उत्पन्न होने को। संभवं, वेदना का उत्पाद कहाँ हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, कहाँ वेदना का उत्पाद हुआ, इसे वो खूब अनुभव से जानता है, अनुभवों से जानता है वेदनाओं की उत्पत्ति को। और यत्थ चेत्ता निरुज्झन्ति, काम जब शुरू करता है तो उपाधवय धम्मिनो, देह उत्पन्न हुआ और व्यय हो गया, उत्पन्न हुआ व्यय हो गया,
साधक यही करता है, काम शुरू जब करता है तो वेदनाओं को देखता है, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई नष्ट हो गई। यों करते करते मन के विकार निकलने शुरू होते हैं, भीतर के अनुशय क्लेश निकलने शुरू होते हैं, निकलते 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 जब सारे विकार निकल जाते हैं, वो विकार जो हमको अधोगति की ओर ले जाए, वो सारे विकार निकल जाते हैं तो निर्वाण का साक्षात्कार होता है। पहली बार होता है तो श्रोतापन्न होता है, फिर काम करते करते और गहराइयों से होता है सकदागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है अनागामी होता है, और काम करते करते गहराइयों से होता है तो अरहंत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब और जन्म उसका होने वाला नहीं है, इस अवस्था पर पहुंचता है। तो उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो, इस स्थिति का अनुभव करते करते, साक्षात्कार करते करते उपजित्वा निरुज्झन्ति, निरुज्झन्ति की अवस्था पर आता है, माने वेदनाओं का निरोध हो गया, नहीं है वेदना, वेदनाओं के क्षेत्र से परे चला गया। तो वेदनाओं के क्षेत्र से परे जाए तब वेदनाओं का निरोध हुआ, अन्यथा तो वेदना कायम है, सुखद है कि दुखद है, कि असुखद है कि अदुखद है। तो उस अवस्था तक पहुंचता है जहां वेदना यथ चेता निरुज्झन्ति, उनका निरोध हो गया, कोई वेदना नहीं है। इस क्षण निरोध अवस्था में कोई वेदना नहीं होती। समझना चाहिए वेदना कैसे होती है। ये जो नाम रूप है, शरीर और चित्त की जीवन धारा चलती है, तो जीवन धारा जैसे ही चलती है छह इंद्रियों के साथ चलती है, नाम रूप पच्चया शलायतन, और छह इंद्रियां जहां आई वहां इंद्रियों के विषय जिससे सारा संसार भरा हुआ है वो इन इंद्रियों पर स्पर्श करने लगे, टकराने लगे, कानों से शब्द टकराने लगे, आंख से रूप, नाक से गंध, जीभ से रस, त्वचा से स्पर्श हुए पदार्थ और मन से कुचिंतन। यूं छह इंद्रियों के छह विषय, छह पदार्थ स्पर्श करते हैं, स्पर्श होता है तो वेदना होती है। यूं स्पर्श हुए जा रहा है, वेदना हुए जा रही है, स्पर्श हुए जा रहा है, वेदना हुए जा रही है, यूं होते होते विकारों को निकालते 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 निर्वाणिक अवस्था में गया, जहां पर न नाम है न रूप है, शरीर और चित्त के परे की अवस्था है, जहां छह इंद्रियां नहीं है, सड़ायतन के परे की अवस्था है। उस अवस्था में गया तो वेदना कैसे होगी, कुछ स्पर्श नहीं है कैसे करेगा, छह इंद्रियां काम करने बंद कर दी, अब आंख नहीं काम करती, नाक नहीं काम करता, कान नहीं काम करते, जीभ नहीं काम करता, त्वचा नहीं काम करती, मन नहीं काम करता, मन के भी परे चला गया, नाम रूप के परे चला गया तो विज्ञान के परे चला गया, नाम के भी परे चला गया। उस अवस्था में जहां स्पर्श नहीं होता तो वेदना कैसे होगी, वो वेदना नहीं होने का जो अवस्था है वो निर्वाणिक अवस्था है, उस अवस्था का साक्षात्कार करता है। करते 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 एक बार किया, दो बार किया, यूं करते करते अरहंत का फल प्राप्त होता है तो वेदना बिल्कुल समाप्त है, निरुद्ध हो गई। उसको कहते हैं यथ चेता निरुज्झन्ति मग्गंग च खयगामिनं। तो सारा मार्ग समझ में आ गया, आरंभ किया था उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो, शील का पालन कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, प्रज्ञा आरंभ की है, उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो, उत्पाद होता है, व्यय होता है, चल रहा है मार्ग पर। चलते चलते पहले डुबकी लगी, दूसरी लगी, तीसरी लगी, चौथी लगी, चौथी लगी तो मार्ग समाप्त हो गया, अब और आगे चलने को नहीं है, सारा जीवन का क्रम समाप्त हो गया, जीवन की धारा समाप्त हो गई, ये जीवन का प्रपंच समाप्त हो गया, ये जन्म मरण का प्रपंच समाप्त हो गया। तो उस अवस्था पर पहुंचता है जहां मग्गंग च खयगामिन, जहां वेदनाएं नितांत रूप से समाप्त हो जाए, जहां ये जीवन मरण का चक्र नितांत रूप से समाप्त हो जाए, वो रास्ता प्राप्त जान गया, उस रास्ते पर चल कर उसे जान गया। मग्गंग च खयगामिन, वेदनाओं के क्षय करने का जो मार्ग है उसे जान गया। और वेदनानं खया भिक्खु, जो साधक वेदनाओं का क्षय कर लिया, उस अवस्था पर है जहां वेदनाओं का नामो निशान नहीं है, सारी वेदनाएं क्षय हो गई हैं, निच्छा तो इच्छाओं के परे चला गया, कहां वेदना होगी, वेदना पच्चया तनहा, जब तक वेदना चल रही है तब तक सूक्ष्म या स्थूल साथ साथ इच्छा चल रही है, तृष्णा चल रही है। अरे मुक्त हुआ, अरहंत हुआ, अब काहे की इच्छा, अब काहे की कामना,
अब कहा है कि तृष्णा, और उस अवस्था में तो तृष्णा का नामो निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्श ही नहीं हो रहा, वेदना ही नहीं हो रही, तो तृष्णा भी नहीं हो रही। तो इसलिए कहा निच्छा, तो इच्छा नहीं अब रही, तृष्णा नहीं रही, वितृष्ण हो गया। ऐसे व्यक्ति को कहा परिनिब्बुतो, परिनिर्वाण हो गया इस व्यक्ति का। तो इसी जीवन में परिनिर्वाण होने की बात है, इसी जीवन में परिनिर्वाण होता है, अनंत अवस्था प्राप्त होती है। तो स उपधि से इस निर्वाण कहते हैं उसे, अभी उपधि है थोड़ी, मुक्त हो गया, कोई जंजाल नहीं है, कोई नया भाव देने वाला संस्कार नहीं है। अरे भाई फिर भी ये नाम रूप का बोझ तो सिर पर है ही, क्योंकि उस अवस्था में से निकल करके फिर इसी अवस्था में आना है जब तक जीवन बाकी है। तब तक, जब तक जीवन बाकी है तब तक ये शरीर का बोझ, मानस का बोझ, ये तो उठाए चलना ही है। और जब अरहंत मृत्यु की अवस्था पर पहुंचता है, शरीर उसका खंडित होता है, उस समय अनुपाधि से इस निब्बान, अब कोई उपाधि नहीं रह गई, उसके बाद बात खत्म। तो ये सारा का सारा मार्ग समझाया गया इन चार ही लाइनों में। पूरी बात समझ में आई कि किस तरह से हम वेदनाओं के सहारे 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 सारे मार्ग को पार कर जाएं, सारे मार्ग को पार करके उस मुक्त अवस्था पर पहुंच जाएं, जहाँ नत्थि दानी पुनर्भवती, उसके बाद और कोई जन्म होने वाला नहीं है। सुख सुत्तं तिस्सो इमा भिक्खवे वेदना, तीन तरह की वेदनाएं होती हैं हे भिक्षुओं। कतमा तिस्सो, कौन से तीन प्रकार की? सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुखम सुखा वेदना, सुख वेदना, दुख वेदना, अदुख सुख वेदना। इमाखो भिक्खवे तिस्सो वेदनाति, ये तीन प्रकार की वेदनाएं होती हैं। सुखं वा यदि वा दुखं अदुखं सुखं सह अज्जतं चब्बेधा च यं किंचि अत्थिवेदितं एतं दुखं तिन्यत्वाने मोसधम्मं पलोकिनं फुस्स फुस्स वयं पसं एवं तथ विरज्यति। सुखं वा यदि वा दुखं, सारा का सारा मार्ग बिल्कुल इन दो श्लोकों में, दो गाथाओं में बताया गया। सुखं वा यदि वा दुखं, सुख की हो वेदना, सुख की हो या दुख की हो, या अदुखम सुखं सह या अदुख असुख की हो, ये अदुख असुख को ठीक से समझ लेना चाहिए। साधक जब नया नया होता है, धर्म के पथ पर चलता है, साधना के पथ पर चलता है, तो बहुत साफ मालूम होता है, देख ये दुख की वेदना आई, पीड़ाजनक आई, नहीं अच्छी लगने वाली आई, देख ये सुख की आई, बड़ी अच्छी लगने वाली आई। और कभी कभी यूँ होता है कि वेदना तो है, इसे क्या दुख कहें, इसे क्या सुख कहें, इस तरह की न्यूट्रल वेदना जिसमें कोई सुख भी नहीं लगे, जिसमें कोई दुख भी नहीं लगे, वो अदुख असुख। लेकिन काम करते 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 ऐसी अवस्था आती है, विकार निकलते निकलते ऐसी अवस्था आती है, ध्यानों का अभ्यास करते हुए भी ऐसी अवस्था आती है कि एकदम गहराई में प्रश्रब्धि प्रश्रब्धि प्रशांति प्रश्रब्धि प्रशांति प्रश्रब्धि, न उसमें कोई सुख है न उसमें कोई दुख है, पर बहुत गहराइयों की शांति है, वो भी असुख अदुख की संवेदना कहलाती है, वो बड़ी खतरनाक है। वहां जाकर के साधक इस भ्रम में पड़ जाता है कि बस मैंने अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली, जबकि वो अंतिम अवस्था नहीं है, अभी नाम रूप के क्षेत्र में है, अभी छह इंद्रियों के क्षेत्र में है, पर बड़ी सूक्ष्म अवस्था में है, बड़ी सूक्ष्म अवस्था में है, भ्रांति पैदा होती है। तो उस भ्रांति में अगर रह जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो भी अदुख असुख की वेदना है। और इस प्रकार की वेदनाएं तीनों प्रकार की वो, और अज्जतं च बहिद्धा च, भीतर हो बाहर हो, अज्जत पुरानी भाषा में अध्यात्म, अब तो अध्यात्म के न जाने क्या अर्थ होने लगे, अपने भीतर, उसको भारत में अध्यात्म कहते थे पुरानी भाषा में, तो उसी को पाली में अज्जतं, अज्जतं च बहिद्धा च, भीतर और बाहर। यंकिंच अत्थि वेदितं, जो कुछ महसूस करता है,
सुखद हो, दुखद हो, ऐ सुखद हो, ऐ दुखद हो, दुखद भी बहुत तेज हो कम हो, सुखद भी बहुत तेज हो कम हो, ऐ सुखद अदुखद भी ऊपर ऊपर वाली हो कि बहुत गहराई वाली हो, जो कुछ महसूस करता है। ए तंग दुखं चिन्यन्ते न्यन्त्वाने। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में ये वेदना शब्द का अर्थ दुख क्यों हो गया? भगवान की वाणी की वजह से हो गया, इस साधना की वजह से हो गया। दुखद वेदना को दुखद मानना तो बड़ा आसान है, पीड़ाएं आ रही हैं, पांव दुखता है, पांव फटे जा रहा है, कमर फटे जा रही है, सिर फटे जा रहा है, अरे तो इसको दुख को कौन नहीं कहेगा, सभी कहेंगे। सुख वेदना को दुख मानना बड़ा कठिन होता है, अरे सुख है ना, प्रत्यक्ष सुख है ना, और जब उस शांत अवस्था में चला जाए, उस प्रशांत अवस्था में, उस प्रशब्दी की अवस्था में, उन गहराइयों में कि जहां पर जैसे कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसी अवस्था है, अरे उसको कैसे दुख माने? ये शांति के लिए सारा काम कर रहे थे, शांति आ गई, इतनी गहरी शांति आ गई, दुख कैसे माने? तो होश आता है साधक को, अरे जब तक ये भव चक्र चल रहा है, जब तक भव चक्र चल रहा है, तब तक तो मृत्यु के बाद फिर जन्म आने ही वाला है, और मृत्यु के बाद जन्म आया, भले किसी देवलोक में आया, भले किसी ब्रह्मलोक में आया, रूप ब्रह्मलोक में आया, अरूप ब्रह्मलोक में आया, अरे अरूप ब्रह्मलोक में आया तो भवाग्र पर आया जन्म, भवाग्र पर भी जन्म हुआ तो अनेक कल्पों तक वहां रहेगा, फिर क्या होगा? अनेक कल्पों तक रहने के बाद भी फिर जन्म होगा, क्योंकि सारे संस्कार निकले नहीं अभी तक, सारे संस्कार भव देने वाले निकले नहीं, और उस अवस्था पर पहुंच गया, आठ ध्यान कर लेगा तो पहुंच ही जाएगा, तो फिर गिरा तो कहाँ गिरेगा? नीचे की ओर ही गिरेगा, और नीचे की ओर गिरेगा, फिर उसी प्रकार चक्र चलना शुरू होगा, दुख का खात्मा नहीं हुआ। तो कितनी ही प्रशब्दी की जो आठों ध्यान की साधनाओं से प्राप्त होती हैं, वैसी संवेदनाएं अनुभूति पर आ जाएं जो कि हमको एकदम अरूप ब्रह्म लोक तक ले जाने वाली हों, अथवा रूप ब्रह्म लोक तक ले जाने वाली हों, वो भी दुख ही ऐसा समझने लगेगा। और जो सुखद है वो तो प्रत्यक्ष मालूम होगा, अरे क्या सुखद है, सुबह थी दोपहर तक नहीं, दोपहर थी शाम तक नहीं, शाम थी रात को नहीं, रात है सुबह नहीं, और जब नहीं तो बड़ा दुख देती है। हमें फ्री फ्लो मिल गया, सारा प्रवाह मिलने लगा, अरे क्या कहना, खुशियों से नाचता है, और दूसरी बार बैठा नहीं मिला तो कितना रोना आता है। सुबह की साधना कितनी अच्छी हो रही थी, देखो अब तो ये प्रवाह ही नहीं रह गया, अब तो वो आनंद आ रहा था, वो आनंद ही चला गया, तो रोता है, तो उसमें रोना समाया हुआ है। क्यों समाया हुआ है? इसलिए समझाया, मोह धम्मं, वो उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है। कितनी जो दुखद है वो तो स्पष्ट ही उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, अरे जो सुखद है वो भी उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है, जो एकदम शांत अवस्था की असुखद अदुखद है वो भी नष्ट होने वाली है, अनंत काल तक नहीं रहने वाली। तो मोस धम्मं पलो के नंग, बदलती है, नष्ट होती है, उखड़ती है, बदलती है, नष्ट होती है, उखड़ती है, ये उसका स्वभाव है, इसलिए दुख है। जब तक वेदनाओं के क्षेत्र में है तब तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, इसलिए वेदना को दुख कहा गया, और धीरे धीरे सारे भारत की भाषाओं में वेदना शब्द का अर्थ ही दुख हो गया। आज तो किसी को कहे सुख वेदना तो कहता क्या अजीब बात हुई, वेदना तो पीड़ा होती है, उसमें सुख क्या होगा, सुख वेदना क्या हुई, सुख वेदना की बात नहीं समझ में आती। इसलिए भारत में आने पर जब समझाने लगे, धर्म सिखाने लगे, तो नया शब्द गढ़ना पड़ा, वेदना की जगह संवेदन कहने लगे, कि लोग कहीं भ्रम में न पड़ जाएं, कहीं सुखद संवेदना हो, कहीं हमको कोई वेदना नहीं है, अभी यही जवाब देते थे, अब कोई वेदना नहीं है गुरु जी, कोई वेदना नहीं है, अब तो बड़ा आनंद आता है, अरे आनंद आता तो वेदना है ना, नहीं समझ में आई थी बात, तो क्योंकि उन दिनों की भाषा इसी प्रकार की थी, और ये बदली, उसका जो अर्थ बदला वो भगवान की इस वाणी से ही बदला, कि सबको दुख मानता है वो, किसी प्रकार की वेदना हो, अभी वेदना के क्षेत्र में है तो नाम रूप के क्षेत्र में है, सलायतन के क्षेत्र में है, छह इंद्रियों के क्षेत्र में है, भव चक्र के क्षेत्र में है, तो दुख ही दुख है, अभी भव चक्र के बाहर नहीं निकला, दुख ही दुख है। तो यूं जब समझने लगता है एतंग दुखं तियंत्वा, उसको दुख है ऐसा जान करके, क्योंकि मोस धम्मंग है, पलों के नंग है, उत्पन्न होना नष्ट होना उसका स्वभाव है, ऐसा समझते हुए फुस फुस वयं पसंग, फुस फुस स्पर्श हुआ, वयं नष्ट हुई, स्पर्श हुआ, सिर से पांव तक चक्कर लगाते हुए जहां स्पर्श हुआ वही नष्ट हुआ। आरंभ होता है तो उदय अलग मालूम होता है, व्यय अलग मालूम होता है। समुदय धम्मानुपस्सी विहरति, वय धम्मानुपस्सी विहरति, ये तो उस समय की अवस्था है जबकि काम शुरू करता है, लेकिन यूं करते करते भंग की स्टेज पर पहुंचता है, जहां समुदय और व्यय एक साथ ही होते हैं, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ, उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ,
समुदाय वै धम्मानुपस्सी विहरति, तो वहां वही वही दिखाई देगा, नष्ट हुए जा रहा है, नष्ट हुए जा रहा है, जहां स्पर्श हुआ वही नष्ट हुआ, जहां स्पर्श हुआ वही नष्ट हुआ। उस अवस्था का उल्लेख है कि फुस्स फुस्स भजंग पस्सन, जहां स्पर्श होता है वहां पर देखता है स्पर्श हुआ कि व्यय हुआ, स्पर्श हुआ कि व्यय हुआ, एवं तत्थ विरज्जति, इस प्रकार उसके साथ जितना राग है वो राग तोड़ते चले जाता है। विरज्जति, राग नहीं रहता, वैराग्य आ गया, राग से छुटकारा हो गया। यूं उसको देखते देखते राग से छुटकारा होता है तो सही छुटकारा होता है। ये जो ऊपर ऊपर से इंद्रिय विषयों का ध्यान करके देखो कान में शब्द आए, अरे बड़े प्रशंसा के आए, आए तो क्या हुआ, हम नहीं इससे राग करते, प्रशंसा के नहीं आए तो हम नहीं द्वेष करते, हमारे लिए गालियों के आए तो द्वेष नहीं करते, ऐसे प्रिय अप्रिय कान में नाक में जीभ में त्वचा में, ठीक है राग निकलता है द्वेष निकलता है, बड़े ऊपरी ऊपर स्तर पर निकलता है, जड़ों से नहीं। जड़ें तो वेदना में समाई हुई, इसीलिए भगवान बल देते हैं कि वेदना को देखते 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 स्पर्श हुआ नष्ट हुआ, स्पर्श हुआ नष्ट हुआ, उसको देखते देखते जो अनित्य बोध जागता है वो सही माने में राग को दूर करने वाला है। ऐसा सारा का सारा मार्ग इसमें समझा दिया गया। नाउ सुख सुत्तं, सुख किस माने में कि यूं देखते देखते जो सुख प्राप्त होगा वो सही सुख प्राप्त होगा, परम सुख प्राप्त होगा, निब्बानंग परमंग सुखं, नया जो सुख प्राप्त होगा वो निर्वाण का सुख प्राप्त होगा, इसलिए हेडिंग दी गई सुख सुत्तं।